हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट एक्सपर्ट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वर्ल्ड कप 2023 के आठवें मुकाबले के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में खेला जाना है। ये मुकाबला खेला जाएगा दोस्तों 10 अक्टूबर को राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में। और इस वीडियो में हम फैंटेसी क्रिकेट से संबंधित सारे फैक्ट रखने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि इस मुकाबले में कब कौन से प्लेयर हमें पिक करने चाहिए, कब किस प्लेयर पर हम रिस्क ले सकते हैं और हम कैसा खेल की उम्मीद कर सकते हैं। इस वीडियो में यही समझने का प्रयास करेंगे। जबरदस्त वीडियो है दोस्तों, अंत तक देखिएगा। लेकिन इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन के बेल पर आल वाला बटन ऑन कीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए। दोस्तों, इस वर्ल्ड कप में जहां एक तरफ पाकिस्तानी टीम अपने पहले मुकाबले में नीदरलैंड को हरा के यहां पर आ रही है, तो वहीं पर श्रीलंका की टीम भी एक हाई स्कोरिंग मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका से हार के यहां पर आ रही है। दोनों ही टीमें जीत का प्रयास करेंगी। वहीं पर दोस्तों बात करें पिच की, तो बैटिंग फ्रेंडली पिच यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले दोनों मुकाबलों में अच्छे स्कोर बने और हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर भी अच्छी बैटिंग होने वाली है। वैसे दोस्तों, पिच रिपोर्ट का एक डेडिकेटेड वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर रखा है, अब आप तक आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। ढेर सारा प्यार आप लोगों द्वारा मिल रहा है। इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में पिच रिपोर्ट नहीं देखेंगे, वीडियो लंबा ना हो इसके लिए हम आते हैं सीधे प्लेइंग 11 की ओर। तो जहां पर एक तरफ पाकिस्तान के लिए इमामुल हक, फखर जमा, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, इफ्तिखार अहमद और शादाब खान, मोहम्मद नवाज, हसन अली, शाहिन साफरीदी और हारिस राव की प्लेइंग 11 में जगह बन सकती है। तो वहीं पर श्रीलंका के लिए कुशल परेरा, पथुम निशंका, कुशल मेंडिस, सदीरा, समर विक्रमा, चरित असलंका, धनंजय डिसिल्वा, दसुम सनाका, दुनित वेलिगले, महेश तीक्षणा, प्रमोद मधुशंका के साथ साथ माथीसा पतिराना की प्लेइंग 11 में जगह बन सकती है। अब दोस्तों, हमें अपने फैंटेसी टीम में कौन से प्लेयर्स रखने चाहिए? यहाँ पर क्योंकि हैदराबाद की पिच काफ़ी बैटिंग फ्रेंडली पिच है, तो यहाँ पर हम टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को जरूर रखेंगे। हालांकि ये बात और है कि पिछले मुकाबले में पाकिस्तानी टॉप 3 बैट्समैन कोलैप्स कर गए थे, अच्छी बैटिंग नहीं कर पाए थे और कहीं ना कहीं उसी की वजह से हमारा जीएल भी रह गया था दोस्तों, जैसा हमने बाद में अपने टेलीग्राम पर पोस्ट भी किया था। इसके अलावा बाकी के 8 प्लेयर हमारे जीएल में पहल ड्रीम टीम में आए थे। तो वहीं पर दोस्तों, एक बार फिर से हम टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को दोनों टीमों में रखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि कौन से प्लेयर हमें और रखने हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो क्योंकि फखर जमा का फॉर्म थोड़ा सा वीक चल रहा है, इनके ऊपर रिस्क लिया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा इमाम, बाबर और रिजवान को हम डेफिनेटली रखेंगे। सऊद शकील भी बढ़िया चॉइस है, पिछले मैच में शानदार 50 भी लगाए हैं। तो वहीं पर गेंदबाजी में शाहिन शाह अफरीदी, हारिस राउफ को हम पिक करेंगे और साथ ही शादाब खान के साथ भी जाएंगे। दोस्तों, शादाब खान गेंदबाजी में तो कुछ खास नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर पहले बैटिंग मिलती है तो फिर ये बल्लेबाजी में हमें कुछ स्कोर करके दे सकते हैं। तो निश्चित तौर पर शादाब खान को हम पिक करेंगे। इसके अलावा बाकी के प्लेयर को टॉस के बाद कंडीशन के अकॉर्डिंग पिक करेंगे। इसके लिए हम टेलीग्राम पर टॉस और कंडीशन के अकॉर्डिंग प्लेयर स्किप करेंगे। इसके बाद श्रीलंका के लिए, तो यहाँ पर दोस्तों कुशल परेरा हालांकि बढ़िया खिलाड़ी है लेकिन फॉर्म थोड़ा सा ठीक नहीं है। यहाँ पर पथुम निशंका और परेरा में से किसी एक को हम पिक करेंगे। इसके अलावा कुशल मेंडिस को जरूर रखेंगे। सदीरा, समर विक्रमा को हम पिक करेंगे, काफी कम लोग इनको पिक कर रहे हैं, एक जबरदस्त टैलेंटेड प्लेयर हैं और नंबर 4 पर खेलने आ रहे हैं तो इनको रखेंगे ही। चरित असलंका को भी हम पिक करेंगे, नंबर 5 पर पिछले मैच में जबरदस्त 50 भी लगाए थे। इसके अलावा पार्ट टाइम स्पिन गेंदबाजी करते हैं तो हो सकता है गेंदबाजी में भी कुछ काम दिखा दें। इसके अलावा धनंजय डिसिल्वा का फॉर्म बैट और बॉल दोनों से फ्लॉप चल रहे हैं। दासुन सनाका हालांकि पिछले मैच में जबरदस्त 50 लगाए थे निचले आर्डर पे आके, लेकिन इनका फॉर्म थोड़ा सा अनप्रडिक्टेबल है, इनको हम स्किप कर सकते हैं। गेंदबाजी में दोस्तों अगर तीक्षणा खेलते हैं तो इनको हम जरूर पिक करेंगे। पाथिराना को इस कंडीशन में पिक करेंगे अगर श्रीलंका पहले गेंदबाजी करती है, क्योंकि डेथ में इनसे गेंदबाजी कराई जाती है। मधुशंका के बारे में हम अपने टेलीग्राम पर विचार करेंगे। वैसे दोस्तों, यहाँ की टीम हमारी इनिशियल टीम होती है, फाइनल टीम अपने टेलीग्राम पर ही देते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर लिंक ना काम करे तो सीधे भी क्रिकेट एक्सपर्ट बाय विवेक के नाम से सर्च करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर टॉस के बाद एक्यूरेट पिच कंडीशन देने के साथ साथ सबके लिए बिल्कुल फ्री में हम फैंटेसी टीम प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर आप जाके हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, जो हमारी इनिशियल टीम निकल के आ रही है, यहाँ पर कुशल मेंडिस और रिजवान हमारे विकेट कीपर हैं। 5 बल्लेबाज टीम में हमने पिक किए हैं, बाबर आजम, इमामुल हक, पथुम निशंका, असलंका और
सदीरा समर विक्रमा को एकमात्र ऑलराउंडर शादाब खान है तो तीन गेंदबाज हमारी टीम के शाहीन शाह अफरीदी, हारिस राउत और पार्थी राणा है। टीम का कैप्टन फिलहाल हमने बाबर आजम को और वाइस कैप्टन के रूप में शादाब खान को पिक किया है। जहाँ तक मैच प्रिडिक्शन की बात है तो यहाँ पर पाकिस्तानी टीम डोमिनेट लग रही है, मुकाबला जीत सकती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।